हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स बाय विनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन, जिसके लिए हमने एक बोल बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ले लिया है, 4 से 5 बीन्स ली है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, 1/4 शिमला मिर्च लिया है इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, आधी ली है गाजर इसको कद्दूकस कर लिया है। ये वाली जो चीजें हैं ये हम मंचूरियन बॉल्स बनाने में यूज करेंगे। ग्रेवी के लिए हम लोगों ने 4 से 5 बीन्स ली है जिनको लंबा लंबा काट लिया है, 1/4 हरी शिमला मिर्च ली है, 1 स्प्रिंग अनियन लिया है इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च ली है इसको बीच में से सिलेक्ट कर लिया है, 1/4 पत्ता गोभी ली है और आधी गाजर इसको भी लंबा लंबा काट लिया है। फिर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 3 टेबलस्पून मैदा, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, आधा ग्लास लिया है पानी और ऑयल लिया है फ्राइंग के लिए। तो आइए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं वेज मंचूरियन। अब हमने एक बोल ले लिया है, अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर, फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई बीन्स, फिर अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा 3 टेबलस्पून जो हमने लेके रखा हुआ था, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून हमने बचा के रख लिया है ग्रेवी के लिए, इसमें हमने 3 टेबलस्पून ही डाला है। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट, फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर भी एज पर टेस्ट। अब इस मिश्रण को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे। एक तरफ पैन में हम लोगों ने ऑयल रख दिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। डो बनके तैयार हो चुका है, आइए अब हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा के इसकी बॉल्स बनाते हैं। इतने डो से हमारे 15 मंचूरियन बॉल्स हम लोगों ने बना लिए हैं, आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मंचूरियन बॉल्स जो हमने बना के रखी हुई थी। फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है और इसको अभी हिलाएंगे नहीं, इसको नीचे से पकने देंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। इनको हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, अदरवाइज जो मंचूरियन बॉल्स हैं ये कड़वी हो जाएंगी और एकदम टेस्टलेस हो जाएंगी। मंचूरियन बॉल्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। मंचूरियन बॉल्स बनके हमारे रेडी हो चुके हैं, आइए अब हम सॉस की तैयारी करते हैं। अब हमने दूसरी तरफ एक पैन रख लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, और इसको थोड़ा सा चला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, बीन्स डालेंगे पहले, फिर हम इसमें डालेंगे गाजर, गाजर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, फिर हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी और फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। ये डाल के इसको एक बार अच्छे से चला देंगे। और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। सब्जियां अच्छे से सॉटे होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, फिर हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर,
देन ग्रीन चिली सॉस। फिर अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर एज पर टेस्ट, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ये डालने के बाद अब हम इसको चला देंगे। सॉसेज सारे ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो हमने एक चम्मच बचाया हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने एक घोल बना लिया है, और अब हम उसको इसमें ऐड करेंगे और इसको चला देंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। सॉस हमारा रेडी हो चुका है। सॉस को मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, इतनी ही थिकनेस चाहिए क्योंकि हम बना रहे हैं ड्राई मंचूरियन। अब हम इसमें ऐड करेंगे मंचूरियन बॉल्स जो हमने बना के रखे हुए थे, इसको ऐड कर देंगे इसमें। मंचूरियन बॉल्स हमने सारे डाल दिए हैं, इसको अब हल्के हाथ से चला देंगे ताकि जो सॉस है वो अच्छे से मंचूरियन बॉल्स में कोट हो जाए, और इसको थोड़ा सा चला देंगे और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और इसको अब हम गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन से। और अब हम फ्लेम कर देंगे बंद। हमारा वेज मंचूरियन बनके रेडी हो चुका है, आइए अब इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वेज मंचूरियन बनके रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल फ्लेवर्स बाय विनी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।